Welcome back to my YouTube channel, and if you're here for the very first time, then hello, my name is Kilani. In today's video, we are doing New Me Asia Haul. This is my first time doing New Me Asia Haul. ऐसे भी बहुत सारा छाया हुआ है Instagram पे, YouTube पे, सारे जगह पे, and बहुत सारे अच्छे-अच्छे collection मिल रहे थे मेरे को ऐसे बहुत time से. तो मैं बहुत time से सोच रही थी कि मैं करूँ इसका haul. वैसे मैंने एक shorts भी बनाया हुआ है जिसमें कि मैंने dress दिखाया था already. तो आज मैं से सारा कुछ डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या ऑर्डर होता है, क्या रिटर्न रिफंड पॉलिसी, सारा कुछ एवरीथिंग इन द वीडियो. तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट्स स्टार्ट कर लेते हैं. तो बेसिकली इस बार ना मैंने ज्यादातर ना पैराशूट पैंट लाइक बॉटम्स वगैरह मंगाया था जो कि बहुत ज्यादा मुझे एड में आ रहे थे. तो फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस पैंट, ब्राउन पैंट, जो कि मुझे बहुत इंस्टाग्राम के एड पे स्टोरी पे आ रहा था. तो मतलब वो पर्पल लेवेंडर वाला मुझे बहुत स्टोरी में आ रहा था, मुझे बहुत पसंद भी आ रहा था. लाइक जो भी लुक था उसका ना मुझे बहुत पसंद आ रहा था. तो मैंने सोचा कि मैं ब्राउन में ले लेती हूँ क्योंकि वो सब पे चलेगा, इसलिए मैंने ब्राउन में ले लिया. तो फर्स्ट इज दिस वन. ओके, तो इसका लेंथ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया बिकॉज आई एम 5'3" और इसका जो लेंथ है ना वो एक्चुअल मुझे एंकल तक आ रहा है. तो मुझे थोड़ा सा लंबा जींस ज़्यादा पसंद है इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है. बट मे बी इसको मैं पहन के बाहर गई थी क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना, तो फिर बारिश में थोड़ा एंकल लेंथ जींस सही रहता है पहनने के लिए. तो इसलिए मैं इसको पहन के चली गई. तो मैंने ओके ठीक ही है. और एक में इसमें एक चीज़ और मेरे को ये लगा कि इसका जो मटेरियल है लाइक यू कैन सी जैसा फोटो में दिख रहा है वैसा नहीं दिख रहा है रियल में. मतलब मुझे चेंज लग रहा है, वो थोड़ा येलोइश काइंड ऑफ है फोटो में. एंड इसमें ना यू कैन सी थोड़ा थोड़ा ना इसे निकला हुआ है सारा ये रुई उसका. तो मुझे लगा कि पता नहीं ये पुराना प्रोडक्ट है या फिर क्या. इसी में मैंने एक वाइट जींस भी मंगाया सेम विच इज दिस वन. ये बहुत ऐसा नया सा लग रहा है और ये मुझे बहुत पुराना सा लग रहा है. तो दोनों का पैटर्न सेम है बस कलर अलग अलग. ऑल्सो दोनों का साइज भी अलग अलग है. ये मैंने लार्ज साइज में लिया है और ये मैंने मीडियम साइज में लिया क्योंकि मैं पहले कंफर्म थी नहीं कि मुझे कौन सा साइज प्रॉपर फिट आएगा. तो मैंने दोनों में ले लिया. लार्ज साइज थोड़ा सा लूज आता है बट फिर भी मुझे इसका फिटिंग चलेगा. लाइक उतना भी लार्ज नहीं आता और मीडियम साइज भी ठीक है, लाइक ज्यादा टाइट भी नहीं आ रहा. तो मुझे दोनों साइज चलेगा बिकॉज आई एम 29. तो दोनों साइज मुझे चल जा रहा है. तो ये व्हाइट वाला ना ज्यादा न्यू लग रहा है कम्पेयर टू ब्राउन वन. और इसमें ना ऐसे कुछ चिपका हुआ था यहाँ पे मीडियम साइज से लिखा हुआ था ना, तो मैंने इसको ऐसे उखाड़ा ना तो इसका जो बबल है इसका भी निकल गया, जैसे इस वाले जींस का निकला हुआ पहले से तो इसका भी निकल गया. तो इसमें से आई थिंक इसमें कुछ चिपक गया होगा तो जिसकी वजह से ना ये रुआ सा पूरा निकल गया है. आई डोंट नो उसको ज्यादातर पहनने के बाद क्या होगा बिकॉज अभी तो देखने में सुंदर लग रहा है और इसका हालत तो अच्छा नहीं लग रहा है इसके सामने. लाइक ये यू कैन सी पूरा ऐसे निकला हुआ है, आई होप यू कैन सी, और इसका नहीं है. तो दोनों ही जींस का मटेरियल सेम ही है, लेंथ भी दोनों का सेम ही आता है और बस थोड़ा लंबा लेंथ रहता तो ज्यादा सही आता. क्या दोनों जींस मैंने यही लिया है. उसके बाद बॉटम्स में आई गॉट दिस जॉगर्स जो कि मुझे लगा था पैराशूट काइंड ऑफ है बट वैसा नहीं है. हल्का सा मिक्सचर है उस चीज का, आई होप यू कैन सी. और मुझे लगा था यहाँ पे ना ये थोड़ा पाइपिंग काइंड ऑफ होगा, जैसा मुझे पिक्चर में देख के लग रहा था कि वो पैराशूट मटेरियल होगा और ये सारा कुछ है ना ये साइड में वो पाइपिंग जैसा होता नहीं है वैसा होगा. तो वैसा नहीं है. एंड आई गॉट दिस इन साइज मीडियम और ऐसा सी थ्रू तो हल्का हल्का है ये क्योंकि ये वाइट में है और नीचे से जॉगर्स है. तो ये काफी पतला मटेरियल ही है और लुक तो सही ही आ जाता है. अभी थोड़ा सा मूड और गया तो उसको आयरन वायरन करना पड़ेगा. तो यहाँ पे दो पॉकेट इस साइड है, दो पॉकेट इस साइड है और ऊपर में साइड पॉकेट भी दिया हुआ जो कि अच्छी बात है. तो टोटल मिला के इसमें सिक्स पॉकेट है. तो नेक्स्ट वन इज दिस. अगर आपको जॉगर्स पैंट पहनना पसंद है तो यू कैन गो फॉर इट. उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने लिया ना ये आजकल बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे इस वाला पैटर्न ना ये वाला पैटर्न इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा चल रहा है. मैंने बहुत सारा फोटोज वगैरह देख लिया है ऑलरेडी. तो सेम पैटर्न से मैंने ये न्यू मी एशिया पे देखा तो मैंने लिया. लाइक ये वाला जो पैटर्न है ये बटन वाला साइड में ये ज्यादा चल रहा है. तो इसको खोल के हम लोग देखते हैं. इसमें साइड में पॉकेट्स भी है विच इज रियली ग्रेट. इस साइड भी पॉकेट है, दोनों साइड पॉकेट है. तो ये वाला डिटेलिंग बहुत चल रहा है बट इसका मटेरियल जो है ना वो कॉटनिश काइंड ऑफ है बट उतना भी नहीं है. एंड साइज मैंने इसमें भी मीडियम दिया है तो फिट वगैरह सही आया है. ऑल्सो इसका जो है ना ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा ना पैटर्न बना हुआ है लाइक ये प्लीटिंग है थोड़ा, तो वो ऐसे वो डिजाइन बन जाता है एक, तो वो सही सा लगता है. तो ये भी पैराशूट वाला तो नहीं है. लाइक कॉर्डरी का वो जो बहुत पतला वाला मटेरियल होता है ना कॉर्डरी जींस जो लाइनिंग लाइनिंग वाला होता है तो उस टाइप का मुझे ये लग रहा है.
ऑल्सो इसका जो लुक है वो तो मतलब सही सा आ जाता है और ये इसका लेंथ भी काफी लंबा है, तो यस ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये वाला। ओके नेक्स्ट जो है ना वो मैंने लिया एक ड्रेस। तो एक्चुअली ना ये मैंने खुद से परचेज नहीं किया, आई गॉट दिस इन लाइक विशलिंग के पार्टी में मैं गई थी तो वहां पे मुझे हैम्पर मिला था बिकॉज न्यू मेशिया वॉज देयर स्पॉन्सर पार्टनर, तो उसमें ना मुझे ये वाला ड्रेस मिला तो मैंने सोचा कि हॉल वीडियो में मैं दिखा देती हूँ क्योंकि इसका जो मटेरियल है ना मुझे बहुत सही लगा और भी मैंने न्यू मेशिया से ड्रेस ऑर्डर किया वो अभी तक आया नहीं है, तो मैं प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में वो मैं दिखा दूंगी। तो इसका जो है ना जेन्युइनली अगर ये वाला से मुझे ऐप पे दिखता ना ये वाला पिक्चर तो फिर मैं नहीं लेती मे बी, बट फिर जब मैंने इसको पहना था ना तो बहुत सुंदर सा लग रहा था उस टाइम पे, तो आई टोटली लव दिस। सबसे ज्यादा मस्त जो मेरे को ड्रेस लगा है यही वाला लगा क्योंकि इसका मटेरियल बहुत सही आया, लाइक बहुत स्ट्रेची काइंड ऑफ है और इसे ना पूरा बॉडी पे से बैठ जाता है ना तो वो और भी सुंदर लगता है और लेंथ वेंथ इसका बहुत सही है, बस इसमें कट आउट है ऐसे पीछे में पूरा बैक, तो ये भी सेक्सी सही लगता है अगर आप ऐसे वेकेशन वगैरह पे जा रहे हो तो फिर उस टाइम पे पहन सकते हो क्योंकि बहुत मस्त मस्त पिक्चर आएगा इसमें। काफी वाइब्रेंट कलर है लाइक पेस्टल ब्लू कलर काइंड ऑफ कह सकता है, तो मुझे ये वाला बहुत सबसे मस्त लगा। साइज इसका लार्ज, तो लार्ज साइज मुझे अच्छे से आया है। ओके सो दैट वॉज इट फॉर दिस हॉल वीडियो। हाँ बहुत कम ही था क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट अभी तक आए नहीं है तो फिर वो मैं नेक्स्ट हॉल वीडियो में दिखाऊंगी। तो न्यू मेशिया पे ना बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, लाइक बहुत सुंदर सुंदर से कोरियन टॉप्स वगैरह मिल रहे थे, बट उस सबका डिलीवरी पीरियड ना थोड़ा ज्यादा था, ऐसे नॉर्मल डिलीवरी पीरियड दिखाता था 10 to 12 days एंड ऐसे जो फास्ट डिलीवरी था जिसमें कि वो लाइटनिंग वाला साइन दिया हुआ रहता है ना तो वो 4 to 5 days था, तो फिर बेसिकली जितना भी वो प्रोडक्ट मुझे पसंद आ रहा था वो सबका मतलब नॉर्मल डिलीवरी था। वैसे इनका ना 7 days रिटर्न या रिफंड पॉलिसी है तो जैसे हर ऐप में होता है उसी तरह आप इस ऐप में भी रिटर्न रिफंड कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा कि आपका पिकअप जनरेट हो गया है अगर आपको कुछ भी चीज़ रिटर्न करना है तो ऐसे करके, तो यार बहुत सिंपल है। आई थिंक एक्सचेंज अभी तक नहीं होता है, लाइक आपको साइज एक्सचेंज कराना है तो वो नहीं होता, आप रिटर्न कर सकते हो प्रोडक्ट फिर आप दूसरे साइज में ले सकते हो। तो यार दैट वॉज इट एंड बाकी आपको वैसे ना न्यू मेशिया के रिफंड पॉलिसी वाले सेक्शन पे जाना, वहाँ पे क्लिक करना आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा वहाँ पे, तो आप एक बारी पढ़ लेना अच्छे से एंड या दैट वाज इट। सी यू गाइस वेरी वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे सेफ बाय बाय। लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, प्लीज लाइक कमेंट कर देना, ठीक है बाय।